तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे ना ब्रेक भी चलानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार चल रही है ना वो भयंकर बिना इंडिकेटर दिए राइट लेफ्ट हो जाती है, तो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो थोड़ा सा लेफ्ट होकर चलेंगे, बीच में नहीं चलेंगे। और अगर वहां पे कार है ना और यहाँ पे मैं हूँ, वो 200 मीटर पहले ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे ताकि फुल सेफ्टी रहे। ये जो क्लिप आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वो क्लिप है जो प्रो राइडर 1000 के खुद के गोप्रो से पुलिस ने ऑफिशियली रिलीज की है। अगर मैं बाहर मुंह निकाल रहा हूँ ना तो उड़ जाऊंगा पीछे, तो अंदर घुसना पड़ रहा है। तो जो आप लोगों ने अभी सुना कि अगस्ता भाई यानी अपने प्रो राइडर 1000 ने बोला था अपनी वीडियो में कि हेलमेट मुझे धोखा ना दे जाए, और उनकी हेलमेट की पैडिंग्स जो थी वो ढीली हो रही थी बार बार, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कि इतनी स्पीड में होने की वजह से उनकी जो हेलमेट की पैडिंग्स ढीली थी उसकी वजह से हवा जो आ रही थी सामने से उसकी वजह से उनका हेलमेट जो है वो डिसबैलेंस हुआ और हेलमेट संभालने में वो सारी चीज़ें हो गई हूँ। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट भी था जिस पर अगस्ता भाई ने ध्यान नहीं दिया प्रॉपर। बाकी आप इस वीडियो में एक बार आगे बने रहो, आपके जो भी डाउट है ना वो आपके अभी इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। प्रोराइडर्स यहाँ से यूटर्न मार रहे हैं क्योंकि आगे ना यूटर्न नहीं मिलेगा, फिर सीधा 80 किलोमीटर के बाद मिलेगा यूटर्न। इस वीडियो के सामने आने से एक और चीज़ क्लियर हो गई है कि ये सारा एक्सीडेंट जो हुआ था या जो कुछ भी हमारे प्रो राइडर 1000 के साथ हुआ था वो जाते हुए नहीं, वो यू टर्न लेके वापस आते वक्त हुआ था। एक बार क्लिप देखो, यहाँ दोनों राइडर्स यू टर्न ले चुके हैं। पुलिस को कैमरा मिला है उससे प्रॉपर फुटेज बाहर नहीं आई है, ठीक है। सो कहीं भी किसी भी चैनल पे आपको जो भी कोई जानकारी दी जा रही हो आलतू फालतू को, इस पे ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है,
जो कुछ भी अपडेट होगा, जब भी वो प्रॉपर वीडियो रिलीज़ होगी मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। तो किसी भी और अफवाह पे या किसी भी और तरह की अलग अलग न्यूज़ पे जाकर के ध्यान मत देना और अपना खुद का टाइम वेस्ट मत करना। जो कुछ भी अपडेट होगा, ऑफिशियली अपडेट होगा, मैं आप लोगों को सडनली अपडेट कर दूंगा कि हाँ ये अपडेट आया है और ये चीज़ हुई थी। तो वेट करो थोड़ा सा, चीज़ें मैं अपडेट करता रहूँगा।